और भाई आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, क्योंकि भाई आज की वीडियो में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, एक ब्लॉग जैसा वीडियो होने वाला है, जो कि हम आए हुए हैं उज्जैन, जो कि भारत का सबसे लाजवाब जगह भी बन चुकी है और एक धार्मिक स्थल भी है। तो भाई देख लो भाई इस स्थान का, अभी हाल ही में जो है मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, हमारी भाषा में तो उद्घाटन बोलेंगे। देखो भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, और भाई साहब ये देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मूर्त भी है, ऐसी मूर्ति भी है जो कि भाई बाबा महाकाल से जुड़ी हुई है। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आज यहाँ पे देख लो ये माइक से आवाज़ आ रही है, तो भाई यार कुछ इस तरीके दिख रहा है। और सबसे हमारी पहली मूर्ति जो है ये महाकाल की, ये आ चुकी है हमारे बीच, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। तो भाई सबसे पहली मूर्ति जो है हमारी ये है, जो कि महाकाल एक असुर का वध कर रहे हैं, और साथ में इनकी शिवलिंग है और उनका एक भक्त बैठा हुआ है यहाँ पे इनकी शिवलिंग को पकड़ के। और भाई ये मूर्ति इतनी बड़ी है ना कि भाई इसकी हाइट आप देख लो, मैं इसके आधे तक भी नहीं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ तक आ रहा हूँ। तो भाई इसकी हाइट देख लो कितनी ज़्यादा बड़ी है। और भाई एक और ख़ास चीज़ दिखाऊँ आपको, तो ये रही देखो, तो भाई यार ये देखो एक और ख़ास चीज़, और भाई साहब वहाँ पे लाइट क्या लाजवाब लग रही है कुछ इस तरीके। और लेकिन भाई ये जो यहाँ पे झरने चल रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो। और भाई यार ये महाकाल लोक बिल्कुल छोटा नहीं है, लगभग 10 से 15 एकड़ जगह में बंधा हुआ है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं कि मैं अगर आपको दिखाने बैठूँगा ना तो 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी लगातार, तो भाई इतनी बड़ी वीडियो आप देख भी नहीं पाओगे। तो भाई यार हमारी नेक्स्ट मूर्ति है जो कि काल भैरव की है, जो कि भाई ये रही यहाँ पर, जो कि भाई ये देख लो भैया फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर। और भाई साहब ये देखो ये मूर्ति भी इतनी ज़्यादा बड़ी है ना कि भाई कुछ बोल नहीं सकता, और ये बाबा काल भैरव की सवारी यानी कि डोगी। तो भाई यार ये भी कितनी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन भाई ये रात में जितना खूबसूरत लगता है ना उतना ही दिन में भी। तो भाई एक और जो मूर्ति है हमारे बीच ये आ रखी है, क्योंकि भाई इसका नाम, इस मूर्ति का संपूर्ण विवरण भी नीचे लिख रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर लिख रखा है इसका संपूर्ण विवरण, ये देख लो ध्यान से देखोगे तो। और भाई ये मूर्ति भी आपको वीडियो में तो छोटी दिखाई दे रही होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा तो ये है, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत है मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, ये देख लो। और ये यहाँ पे इतने बड़े बड़े पिलर लग रहे हैं और इनके ऊपर साउंड लग रहे भाई माइक, ताकि जो कि अगर कोई घूम जाए या यहाँ पे कोई बच्चा खो जाए तो इन माइक की मदद से उसको ढूंढा जा सकता है आसानी से। तो भाई ये देख लो, और भाई यहाँ पे जगह जगह फायर एस्टिमेटर भी लगा रखे ताकि कहीं पर आग लग जाए तो आग को बुझाया जा सके, देख लो भाई। हाँ ये इतना ज़्यादा बड़ा है ना, और भाई इनके नीचे देखोगे ना तो कुछ इस तरह की लाइट लगा रखी जिससे कि ये पूरा जो पिलर है ये जगमगाता है। भाई इसके नीचे जो पत्थर पड़े हुए हैं छोटे छोटे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ नंबर भी लिख रखे हैं, ये देख लो 20 20। तो भाई ये 20, तो ये देख लो यहाँ पे 19 नंबर लिख रखे हैं, तो ये नंबर क्या काम के हमें भी पता नहीं है, और यहाँ पे 18। और भाई अगर मैं आपको नंबर गिनने बैठूँ तो आपको गिनती याद करा दूँगा। भाई यहाँ पे दीदी फोटो खींच रही है, और भाई ये देख लो यहाँ पे जगह जगह कुछ इतने ज़्यादा फायर एस्टिमेटर लगा रखे हैं ताकि अगर कहीं पे आग लग जाए। और भाई ये डस्टबिन है यानी प्लास्टिक का डस्टबिन, लेकिन लग नहीं ना होगा आपको, ये देख लो भाई प्लास्टिक का डस्टबिन, इसके अंदर कचरा डाल सकते हैं और यहाँ पे ताकि ज़्यादा कचरा ना हो, लेकिन ये जगह जितनी सुंदर है उतनी साफ भी है। और भाई ये रही हमारी काल भैरव की सवारी डोगी। भाई अब हम चलते हैं नीचे, और भाई ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं इसे अब घूम नहीं सकता, क्योंकि मुझे पूरा दिन हो गया यहाँ पे घूमते घूमते, और भाई ये क्या काम की है मुझे भी ठीक से पता नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी भैया बैठे हुए नहीं है, ये देख लो सिर्फ खाली ये लाइट लग रही है अंदर, लेकिन ये क्या काम की हमें पता नहीं। तो चलते अपने दोस्तों के पास जो कि वहाँ पर बैठे हैं, मैं जाता हूँ और इस वीडियो का एंड करता हूँ।
तो भाई यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी और भी मज़ेदार वीडियो बनते रहे। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा वीडियो। मिलते हैं आपको इसी और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।